अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अपने सेटअप पे आ गए हैं और आज एक बुरी खबर है। सबसे पहले मैं आपको वो दे देता हूँ और फिर उसके बाद आके अपने बच्चों वाले कबूतरों को खोल देते हैं। तो वो खबर क्या है वो एक बार आपको बताता हूँ। वो ये है कि ये वाला चूज़ा मर चुका है, एक्सपायर हो गया वह, और बाकी जो दूसरा है ब्राउन वाला उसने ऊपर नीचे फेंके हुए, तो देखते हैं उसको क्या बनता है। उस वाले को तो मैं दवाई दे रहा हूँ, इसको भी दे रहे थे, मेरे को रात को कुछ समझ नहीं आई। ये रात को बिल्कुल सही था, इसको कुछ भी नहीं हो रहा था और मैं इसको थोड़ी सी दवाई देकर गया। खाली जो है हल्का हल्का सा जो है मुँह खोल था, बिल्कुल हल्का सा खो रहा था, और जितनी दफ़ा भी इसी तरह खोला मैं इसको दवाई देता था तो ये सेट हो जाता था। लेकिन जो है रात को इसने इस तरह किया और मैंने इसको दवाई दे के जो है उनके साथ ही छोड़ दिया। सुबह आया तो अंदर ये एक्सपायर हुआ था, एक बिल्कुल कोने में दरवाजे के सामने, और अंदर जाके एक दफ़ा बाकी दोनों का भी दिखा देता हूँ। इस टाइम पर ब्राउन वाला खा रहा है, वो देख सकते हो आप उसके पर गिरे हुए, और जो वाइट वाले हैं वो माशाल्लाह से बिल्कुल सही है। मेरे को लग रहा है ब्राउन वाला ही बीमार है, तो इसको भी मैंने सुबह दवाई दे दी थी। देखते हैं अभी क्या बनता है। बस अभी यही दवाई अल्लाह से कि जो है ये इन दोनों को कुछ ना हो। और ये वाली फीमेल दोबारा से वहाँ कोने में बैठी हुई है, इसने अंडा नहीं दिया था, मेरे ख्याल में ऐसे ही बैठ जाती है वहाँ पे जाके। और ये सेंटर वाले ने अंडे दिए हुए थे, इसका पता नहीं क्या बना, इसको चेक कर लेते हैं। इसके दो अंडे और ये वाला बच्चा आप देख सकते हो माशा कितना बड़ा हो गया, और माशाल्लाह से ये वाले दोनों भी बहुत बड़े हो गए और अभी खड़े होकर चलने वगैरह भी लग गए और बाहर भी आ गए। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये भी बाहर आ जाएंगे। इसमें जो पीछे वाला है वो बड़ा है और ये आगे वाला छोटा लग रहा है मेरे को, क्योंकि साइज़ में ये ज़्यादा छोटा है, वो बड़ा है उस वाले से। तो ज़्यादा तंग नहीं करते, बाहर चलते हैं और दाना भी इनको डाल देता हूँ। और जंगली कबूतर भी थे वो टाइम में, और ये वाला जो कबूतर है इस बेचारे की टांग नहीं है, और इसने जो है नीचे यहाँ पे जो नकासे है ना उसके ऊपर अपना घोंसला बनाया हुआ है, और इसने दो से तीन दफ़ा वहाँ बच्चे भी निकाले हैं, और इस बेचारे का पाँव नहीं है। तो जल्दी से दाना डालते हैं ताकि ये सारे और वो भी खा लें। अभी इन दोनों को उड़ने वाले सारों जो है पानी रख रहे हैं, तो वहाँ पे उनके बॉल पड़े हैं, मैं जाके पानी ला के इनको भी रख देता हूँ। और इनको पानी रखने से पहले आपको बताऊँ, डव्स का जो है हमारे मेरे ख्याल में 11 दिन हो चुके हैं इनको, देखते हैं इनका क्या बनता है, इनके बच्चे कब तक निकलते हैं। और इन बच्चीस का भी कपड़ा डाला हुआ है, धूप बहुत तेज है तो इनका कपड़ा भी उतार देते हैं। और आज भी जो है मौसम बादलों वाला ही है, बार बार मतलब कि सूरज बादलों के पीछे चला जाता है, आगे आ जाता है, धूप होती है और फिर साया हो जाता है, तो इस तरह मौसम चल रहा है। और जल्दी से जाके जो है इनको पानी रखते हैं, उसके बाद जो है फिर इनका कपड़ा भी उठाना है अंदर से। ये वाले बिल्कुल प्यासे, इस टाइम पे सारे यहाँ दरवाजे और आगे जाली पे आए हुए हैं, तो इनको जो है जल्दी से पानी रखते हैं। और ये जिसकी टांग नहीं है, ओहो बच्चे को मार रहा है यार ये जंगली कबूतर। जिसकी टांग नहीं है ना, जिस जंगली कबूतर की है, जो उसके पीछे पीछे दूसरी जंगली है ना, वो इसी फीमेल है इस वाले की। और ये जो है हमारे कबूतर के काले वाले बच्चे को मार रहा था, और अभी से दोबारा से मारा है, तो पता नहीं सो क्या है। और ये भी प्यासे हैं, ये भी दो सारे दरवाजे पे आ रहे हैं, और इनको डरा देते ताकि अंदर चले जाएं, वरना ये बाहर निकल गए तो इस टाइम पे फिर ये उड़ते रहेंगे, बैठेंगे भी नहीं। और ये देख सकते हो ये प्यासे भी थे और आ भी गए फौरन पानी पीने। और अभी चलते हैं अंदर, और अंदर जाके इनका भी कपड़ा जल्दी से ऊपर कर देते हैं। मैं अंदर कपड़ा उठाने आया हूँ, और आप देख सकते हो हवा चलने लगी है, और हवा फिर से ठंडी चल रही है, लेकिन धूप निकली हुई है, तो इनका कपड़ा उठा ही देते हैं। जब फिर धूप चली जाएगी और हवा ठंडी हुई, तो फिर आके इनके ऊपर कपड़ा डाल देंगे वापस से। और इनको दाना भी डालना है, तो वो भी डाल देते हैं। दाना डाल दिया इनको मैंने, और इनका पानी भी ख़त्म है, तो जाके जो है वो भी ला के इनको डाल देते हैं। इसका भी बहुत कम रह गया, तो इसका भी चेंज ही कर देते हैं। तो अभी चलते हैं यहाँ से बाहर, और इनको ज़्यादा तंग नहीं करते क्योंकि डर रहा है ये वाला पेयर जो कि ब्रीड नहीं कर रहा। और डव्स का जो है दाना पानी था, तो उनको डालने की ज़रूरत नहीं है,
जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, सारे कबूतरों ने इधरी आना है और जो है ये चार आ भी चुके हैं इधर सबसे पहले, और थोड़े से जो है यहाँ पे हट के पीछे आ गए। और मैंने कल अभी इसको साफ़ किया था और आप वापस देख सकते हैं यहाँ पे कितना कचरा आ गया हवा की वजह से। और कल जो है बहुत तेज़ हवा चली थी और उस साइड पर जितना भी कचरा था वो आधे ज़्यादा जो है इधर आ गया वापस अंदर। तो अभी जो है इसको फ़िलहाल तो मैं साफ़ नहीं कर रहा, कुछ दिनों में इसको वापस इस जगह को साफ़ कर देंगे। और ये जगह ही बहुत गंदी हुई है, इसको भी कुछ दिनों में साफ़ कर देंगे। और अभी चलते हैं अंदर हट में, और हट में जाके अपने बाकी बर्ड्स को भी देख लेते हैं। और रिंगनेक का पेयर जो है वापस से बाहर आया हुआ है, और मैं जैसे ही अंदर जाऊँगा मेल अंदर चला जाएगा या तो फिर जो है पीछे जाके पिंजरे के ऊपर कोने पर चिपक जाएगा। इन दोनों में से एक हरकत करेगा वो। और अंदर चलते हैं और अंदर जाके मैं आपको एक दफ़ा इसके बच्चे भी दिखाया था, और माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो चुके हैं वो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे अंदर आते ही रिंगनेक का जो है वो मेल अंदर बॉक्स में चला गया, फीमेल स्टिक पर बैठी हुई, और वो भी डर गई है, और शायद ये भी अंदर चली जाए। तो मैं आगे नहीं जाता क्योंकि फिर डरेंगे। और फिंचिस के हमारे चार अंडे हो चुके हैं, देखते हैं इस फर्स्ट कितने देती है और बच्चे निकलते हैं कि नहीं। पिछली दफ़ा से पाँच दिए थे और सारे अनफर्टाइल थे, और ये रहे सारे छोटे बच्चे इनके। और इसके बच्चे भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो इसमें जिसके पर सबसे ज़्यादा आए हुए हैं वो जो है 21 दिनों का हो चुका है। तो देखते हैं अभी और ये कितने दिन अंदर रहेगा मटकी में और कब तक बाहर आता है। और ये वाला पेयर है, और इस पेयर ने अभी तक कोई भी अंडा वगैरह नहीं दिया। इसने वो अपना लास्ट अंडा दिया था जो इसने तोड़ा था, उसके बाद से इसने कोई भी अंडा नहीं दिया। मेरे को समझ नहीं आ रही दोबारा अंडे क्यों नहीं दे रही है, क्या वजह होगी। और साथ ही साथ इस पेयर के पता नहीं कितने अंडे हो चुके हैं, कल इसका एक ही था। और फीमेल अंदर बैठी हुई है, एक अंडा ही दिख रहा है फिलहाल के लिए, दूसरे का नहीं पता उसके नीचे है कि नहीं। इसका अभी तक एक ही अंडा है, इसका अभी तक एक ही अंडा है, और इसने अंडा नहीं दिया। और फीमेल डर के उधर साइड पे चली गई है, तो इसको ज़्यादा तंग नहीं करते, बाहर चले जाते क्योंकि डर रही है। और दाना पानी सबके पास पड़ा हुआ है, और आज धूप निकली थी तो इसीलिए जो है शीशे वाले दरवाजे खोले हुए हैं। ये एक ही खोला हुआ था मैंने, अभी दूसरे को भी खोल दिया है क्योंकि गर्मी हो रही है। अंदर में गया हूँ तो अंदर मेरे को गर्मी लग रही है, तो इसीलिए जो है थोड़ी सी इन जाली वाले दरवाज़ों से थोड़ी हवा पास होगी तो अच्छा है इनके लिए। अंदर का जो है टेम्परेचर वो सेट रहेगा, ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होगा। बहुत सारे पौधे भी सूखे हुए हैं, और ये सिरिंज भी उठा के यहाँ साइड पर कर देते हैं, उस टाइम पर खुले हुए थे तो इसलिए मैंने वहाँ रख दिया था। और इनको रोटी डाली थी, इन्हें खाई नहीं है, इनको थोड़ी देर के लिए खोल देता हूँ, अगर धूप आई तो खोल दूँगा। फिर आप देख सकते हो थोड़ी सी है और हवा चल रही है, फिर इनको बाहर आके जो है ठंड लगती है, फिर पर फिला के जो है बैठ जाते हैं, तो इसीलिए इनको अंदर रखा हुआ है। अगर धूप निकली ना, यहाँ केज में थोड़ी सी धूप हुई, फिर मैं इन दोनों को निकाल दूँगा, थोड़ा सा बाहर घूम लेंगे। और फीड इनको डाली हुई है मैंने, पानी भी डाला हुआ है अंदर इनको, तो ज़रूरत नहीं है वो और इनको कुछ डालने की फ़िलहाल के लिए। और अभी चलते हैं बाहर और यहाँ से पानी जो है इन सब पौधों को डाल देते हैं। और मैं थोड़ा सा दूर गया हूँ तो इसका रिंगनेक का मेल वापस से बाहर आ गया है और मुझे यहाँ पे अभी देख रहा है। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने से दोबारा से अंदर बॉक्स में भाग जाना है। मेरे को तो लग रहा है ये डर के जाते हैं, मेरे को इनका कुछ समझ नहीं आ रहा, ये ब्रीड नहीं कर रहे बिल्कुल भी। इनका सीज़न भी ख़त्म होने वाला है और इनको अगले सीज़न में रखते हैं, देखते हैं अगले सीज़न में ब्रीड करते हैं कि नहीं। क्योंकि हम लोग इनको वैसे भी जो है लेट लाए थे, कम अज़ कम जनवरी में लाए थे मेरे ख्याल में इस साल की, या पिछले साल के दिसंबर में लाए थे इनको, इस तरह कुछ लाए थे, कंफर्म नहीं है मुझे। तो इसीलिए शायद ये सेट नहीं हुए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने इनको पहले नीचे रखा हुआ था, पहले नीचे जो आपको ये वाला केज आपको दिखाया था ना जहाँ पे, उधरी ऊपर इनको भी रखा हुआ था, पुराने ब्लॉग्स में शायद हम लोगों ने दिखाया होगा। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने इनकी जगह चेंज की थी क्योंकि वहाँ पर लोगों का आना जाना था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डर रहे थे। फिर हम लोगों ने जगह चेंज की थी इनकी, उसके बाद हम लोगों ने इनको ला के मेरे ख्याल में आई थिंक उस कोने में रखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने इनको यहाँ पे किधर रखा था शायद, उसके बाद फिर इनकी दोबारा अंदर ही जो है जगह चेंज की थी, बाकी बर्ड्स को भी रखना था उसी वजह से। तो मेरे ख्याल में जो है इसी वजह से इन्हें ब्रीड नहीं की है। और अभी आगे गर्मी आ रही हैं और गर्मियों के अंदर ही हट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो तब तो इनका सीज़न भी आउट हो चुका होगा। तो फिर शायद हम लोग इनको ये वाला केज सेट करके ना यहाँ पर रख दें ताकि जो है थोड़ी गर्मी कम हो, क्योंकि ये इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अंदर हट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, नीचे से भी सारी हब जो है वो ऊपर आती है, जिसकी वजह से हट बहुत ही कोई ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इन सारे परिंदों को जो है उन लोगों को यहाँ से निकालना पड़ेगा आगे गर्मियों में, और इनको जो है ना इधर या किसी और केज में किसी और जगह पर, ऐसी जगह पर रखना पड़ेगा जहाँ पर इस हट के बनिस्बत गर्मी कम हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने बहुत कबूतर उड़ के जा रहे हैं, इतने कबूतर तो हमारे नहीं है जो दाना खा रहे हैं, जितने जंगली खा रहे हैं।
तो यार अभी एक नया कबूतर आया था हमारे सेटअप पे जो कि मैं आपको दिखाना भूल गया हूँ, और उड़ने वाले कबूतरों के केज में ही है, तो एक साथ मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये जो सबसे नीचे वाली स्टिक के बैठा हुआ है ये वाला है, और माशाल्लाह से काफ़ी प्यारा कबूतर है। हमारे बच्चों वाले कबूतर थे, उन्होंने इतना बहुत दाना फिलहाल छोड़ दिए और सारे अंदर चले गए। अभी अपने बच्चों को खिलाएंगे और आके दोबारा से फिर ही खाएंगे। और हम लोगों ने इसको अभी तक नहीं खोला क्योंकि दोपहर का टाइम है, तो इसको थोड़ी देर तक खोलेंगे। और अभी ये फिर से गुस्सा हुआ है और बाहर आना चाह रहा है फुल। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।